हाय एवरीवन, आज के वीडियो में थोड़ा सा Q&A टाइप से सवाल जवाब करेंगे। सारे सवाल केवल जो लास्ट दो वीडियो थे यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो डाउट आपके मन में आए हैं, जो सवाल आए हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं जवाब दूंगी। पहला जो सवाल है राजेंद्र कुमार का है, पेशाब की थैली छोटी हो गई है, इस पर वीडियो बनाएं। देखिए, पेशाब की थैली छोटी नहीं होती है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। पेशाब की थैली में तो 500 ml तक यानी कि आधे लीटर तक यूरिन को कलेक्ट करने की क्षमता होती है। पेशाब की थैली छोटी हो गई का मतलब ये है कि आपकी मसल्स कमज़ोर हो गई हैं और आप उस यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो। मतलब अगर आपकी यूरिनरी जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, तो मसल्स कमज़ोर होने की वजह से आपको अर्ज बार बार आती है, जिसकी वजह से आपको ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि ब्लैडर ही छोटा है। ब्लैडर छोटा नहीं होता, ब्लैडर तो सही होता है, जो जितना अमाउंट में भगवान ने सबको दिया है लगभग वही होता है। 19-20 का अंतर सब में मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इस दुनिया में कोई भी दो इंसान नहीं होते। लेकिन जो आप ये बोल रहे हो ना कि ब्लैडर की थैली छोटी हो गई, वो छोटी नहीं हुई है, वो आपकी मसल्स वीकनेस हो गई हैं। मसल्स वीकनेस के कारण आपको यूरिन पास करने की इच्छा बार बार हो सकती है, ठीक है। तो ये पहले सवाल का आंसर है, इच्छा बार बार क्यों होती है, कैसे ठीक करना है, वो सब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट दो वीडियोज में क्लियर कर दिया है। उसके बाद अगला सवाल है यश मिश्रा का, इनका सवाल बहुत लंबा है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप लोग आराम से। मुझे टाइफाइड हो गया था, इनको पहले टाइफाइड हुआ, तब से यूरिन में बहुत जलन, बार बार यूरिन की दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, पेट में भी बहुत अकड़न रहती थी, उसकी वजह से बहुत परेशान था। काफ़ी कुछ यूज़ किया पर आराम नहीं मिला। जब से आयुर्वेदिक अल्ट्रा सिट्रॉन सायरप अल्ट्राकॉन कैप्सूल अमेजोन से मंगवाए हैं तब से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। 2 मंथ लिया, मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ? फर्स्ट थिंग, लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को जनरल वीकनेस डेवलप होती है, अब जनरल वीकनेस चाहे वो मलेरिया टाइफाइड के कारण डेवलप हो, चाहे हीमोग्लोबिन के कारण डेवलप हो, या कोई और बीमारी हो गई हो उसके कारण डेवलप हो, यदि किसी भी व्यक्ति को जनरली वीकनेस होगी तो इसका मतलब है उसको बाद में जाके यूरिनरी इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार हो सकती है, ठीक है। इनकी जो केस है, इन्होंने बोला है कि अल्का सिट्रॉन सायरप और कितने समय तक के लिए ले सकता हूँ? देखिए, कोई भी मेडिसिन का जो डोज होता है वो 2 महीने 3 महीने तक मैक्सिमम लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आपको किसी भी टैबलेट की, कैप्सूल की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे डॉग हर वीडियो में आने ही है, वो तो गेस्ट अपीयरेंस रहता है अगर आपको उससे ज़्यादा किसी दवाई की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मसल वीकनेस ज़्यादा हो गई है, आपको इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास में जाके प्रॉपर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना होगा 4 से 5 दिन तक का। उसके बाद में इन्फेक्शन को प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के लिए अगले 1 महीने तक के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको गुकशुर का काढ़ा, पुनर्नवा सब, चंद्र प्रभावटी, इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करने की सलाह दे सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये सलाह है कि खुद से ट्रीटमेंट मत करिए, डॉक्टर के पास में जाइए, आयुर्वेद डॉक्टर से कांटेक्ट करें, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट फॉलो करें जिससे कि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं हो। इनका अंकल एस ब्लॉग, इनका नाम है, ये अंकल नहीं है, ये इनका नाम है अंकल एस ब्लॉग। इन्होंने लिखा है कि मैम, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बताया कि पेशाब की थैली की दीवार मोटी हो गई है, मतलब उसमें सूजन है, बताएं मैं क्या करूं? पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर में सूजन हो जाना, इसको सिस्टाइटिस भी बोलते हैं, लेकिन सिस्टाइटिस एक दूसरी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, मेडिकली दोनों अलग हैं लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड ही है। देखिए, आपकी पेशाब की थैली मोटी हो गई है, सूजन आ गई है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अगर आपकी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है वायरस या बैक्टीरिया का, तब उस वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन डेवलप होता है यानी कि सूजन डेवलप होती है, और सूजन के कारण अल्ट्रासाउंड में आपको थैली मोटी दिखाई दे सकती है। ऐसी कंडीशन में भी खुद से ट्रीटमेंट मत करिए, डॉक्टर के पास में जाइए, डॉक्टर आपका CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे और यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो जांचें होती हैं यानी कि यूरिन एनालिसिस करवाना वो भी करवाएंगे। उन दो रिपोर्ट में जो कुछ भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। खुद से ट्रीटमेंट मत करिए, क्योंकि कई बार अगर आप खुद ट्रीटमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होने की बजाय प्रॉब्लम हो सकती है।
क्रोनिक इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकते हैं, और आसपास के बाकी के जो ऑर्गन हैं उनमें भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो डॉक्टर के पास में जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस कॉज इट मोस्टली, यस, ये बिल्कुल सही चीज़ है, लास्ट वीडियो में भी क्लियर किया था, क्योंकि अल्टीमेटली आपके शरीर का जो माई बाप है वो आपका दिमाग है। तो अगर आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो आपको यूरिनरी ट्रैक से इन्फेक्शन से रिलेटेड, इन्फेक्शन नहीं सॉरी इन्फेक्शन तो तभी होगा जब आपको प्रॉपर कहीं से इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आएगा, लेकिन जो मसल वीकनेस है वो आपको एंग्जाइटी के कारण और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के कारण और नर्वसनेस के कारण हो सकती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कोई डांट दे, चिल्ला दे आपके ऊपर, तब कई बार डर की वजह से आपको पेशाब छूट जाती है, ठीक है, बच्चों में अक्सर होता है, बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो यही कारण है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है और ये कंटिन्यूस लेवल पर बार बार हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है? नहीं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का पता नहीं क्या लिखा है, गरुनु प्रयाक्सा समथिंग कुछ कुछ, पता नहीं, मेरे ख्याल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ही पूछना चाह रहे थे। अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो उसके लिए जो मेरी वेबसाइट है drnehaclinic.com, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि दो अलग अलग प्रोसीजर हैं। ईमेल कंसल्टेशन का मतलब यह है कि मैं आपको केवल ईमेल के माध्यम से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराऊंगी, और टेलीफोन कंसल्टेशन का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे फ़ोन पर बात की जाएगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक किया और तुरंत मेरा कॉल आ जाए, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन है जो कि इवनिंग से 6:30 से 7:30 के बीच का होता है, उसमें मैं आपको कॉल करूंगी, जो डेट आप चुनेंगे, जो डे चुनेंगे, जैसे मंडे पे आपने क्लिक किया है तो मंडे को कॉल आएगा, ट्यूसडे को आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है तो ट्यूसडे को कॉल आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक किया और 15 मिनट में मैं आपको कॉल कर दूँ, ये नहीं होगा। तो ये प्लीज़ दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ईमेल कंसल्टेशन में भी ऐसे ही है, आप ईमेल बुक करेंगे तो उसके बाद अगले 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के अंदर, ठीक है, जो भी मतलब टाइम है, मान लो आपने रात को 11 बजे बुक किया तो मैं रात में तो बैठी नहीं हूँ आपका रिप्लाई करने के लिए, तो अगले दिन सुबह जब मैं देखूंगी तब आपको रिप्लाई करूंगी, तो मतलब 24 घंटे तक का समय लग सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें इस बात को। आसिफ मोहम्मद लिख रहे हैं, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। विनोद डामोर ने लिखा है, थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आप लोग अपनी बीमारी को समझ सकें। अगर आप बीमारी को समझ जाएंगे ना तो आप एक बार में उसका सही ट्रीटमेंट करवा लेंगे। उससे क्या होगा, देखिए ट्रीटमेंट के लिए तो आपको अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि आप 50 डॉक्टर के चक्कर लगाते रहें और ठीक बिल्कुल नहीं हो। दूसरा ये होता है कि आप एक डॉक्टर के पास में जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जो ड्यूरेशन है उतना ट्रीटमेंट लें, लाइफस्टाइल सही करें, सारे जो उसके डू एंड डोंट्स होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करें, लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें, एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दें, जिससे आप बीमारी को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लास्ट सवाल मैं लूँगी। एक तो ये ना मेरे चैनल पर डॉक्टर शिफा, डॉक्टर नेहा मेहता, डॉक्टर ऊटपटांग लोग अपना प्रमोशन करते रहते हैं, इनको मैं तुरंत ब्लॉक कर देती हूँ। ऑसम, आई नेवर रियलाइज दिस, महेश सिन्हा ने लिखा है, ओके थैंक यू सो मच महेश जी। जितेंद्र सिंह ने मुझे पागल लिखा है, कोई बात नहीं, ये भी कमेंट होते हैं कभी कभी। चले इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और ध्यान रखिएगा कि लर्निंग आयुर्वेद चैनल जय आयुर्वेद करके है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको आयुर्वेद सीखना है प्रॉपर, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ये नई नई बीमारियों की बात नहीं होगी, उसमें प्रॉपर आयुर्वेद की बात होगी, हम प्रॉपर वात पित्त कफ के बारे में पढ़ेंगे, सप्त धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, समझने हैं, तब जय आयुर्वेद चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिएगा। उसमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, तो जिन लोगों को सीखना है वही सब्सक्राइब करें उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय, बाय बाय।